नमस्कार दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का नोटिफिकेशन आना था। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन परीक्षा की तिथि पहले से घोषित की गई क्योंकि कैलेंडर आ चुका है और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम थे उनकी तिथि घोषित की जा चुकी है। तो अभी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? वर्तमान में सीट्स कितनी हैं, एग्जाम की तिथि तो आप जानते हैं, लेकिन कितनी आरओ की सीटें हैं, कितनी आरओ की सीटें हैं, कितनी सचिवालय की सीटों का अभी तक का अधियाचन उनको मिल चुका है और कितनी सीट्स आने की संभावना है, ऐसे मैसेजेस बहुत सारे और इनके उत्तर आप लोग चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। वैकेंसी अभी क्यों नहीं आ रही और कब तक आएगी? वैकेंसी अभी कुछ दिन तक नहीं आएगी, वैकेंसी आने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी तक का जो अधियाचन मिला है उसमें 2018-19 की 46 सीटें और 2019-20 की 37 सीटें, ये सचिवालय की तरफ से ये 83 सीटों का अधियाचन गया है। 83 सीटें सचिवालय की तरफ से अभी आयोग को भेजी गई हैं कि इनको भरा जाना है, इनकी परीक्षा आयोजित करानी है। इसके अलावा राजस्व परिषद और आयोग की भी कुछ सीटें हैं, उन सब को मिला दिया जाए तो 150 संख्या क्रॉस नहीं हो रही है, 130-135 के रेंज में ये आसपास सीटें आ रही हैं जो कि आरओ के लिए है। अगर एक बार विज्ञप्ति निकल जाएगी उसके बाद में फिर लापरवाही होने लगती है और विभागों से अधियाचन नहीं आते हैं, इसलिए आयोग अभी वेट कर रहा है कि उसके पास जब अधियाचन आ जाए, उसके पास वैकेंसी की डिटेल सूचना मिल जाए कि इतनी वैकेंसी उसको निकालनी है, तब वो वैकेंसी निकालेंगे। तो पहली बात तो यह है कि इसलिए लेट लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि एग्जामिनेशन डेट जब तय हो गई है कि 1 अगस्त को एग्जाम होना है 2021 का, तो आपको अभी से लग जाना चाहिए अपनी प्रैक्टिस में, अपने अध्ययन में, अपने जिनका हिंदी कमजोर है ऐसी रणनीति बनाकर कि उनको वो कैसे पास करा पाए, क्योंकि हिंदी अच्छा किए बिना इसमें आप पास नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यहां पर नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन जनवरी में आना था, तो अब वो हो सकता है नोटिफिकेशन मार्च में आए। मार्च में नोटिफिकेशन इसलिए आएगा क्योंकि आयोग अभी वेट कर रहा है। बिल्कुल तर्क संगत ये बातें हैं, आयोग अभी इंतजार कर रहा है कि वो अधियाचन आ जाए। अब बात आती है कि एआरओ की सीट्स कितनी है। एआरओ की सीट्स आपको पता है कि हर साल कुछ ना कुछ खाली चली जाती हैं और जो नई सीट्स आती हैं वो तो रहती हैं, खाली भी चली जाती हैं। तो इस कारण से दोनों यानी आरओ एआरओ दोनों को मिलाकर देखा जाए तो करीब अभी तक का जो अधियाचन है उसमें 300 करीब सीट्स हैं, यानी कि इसमें 150 से ऊपर एआरओ की सीट्स और लगभग 130-135 आरओ की सीट्स का अधियाचन अभी तक मिल चुका है। लेकिन दोनों की जो विज्ञप्ति आने तक की स्थिति होगी उसमें ऐसा लग रहा है कि सीट्स हैं वो काफी बढ़ेंगी और ये लगभग हो सकता है 500-600 भी पहुंच जाए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी कि 500-600 पहुंचे। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि सीट्स कितनी भी हो, अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो एक सीट्स पे भी आप दावेदारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेलेक्ट होने के लिए एक सीट चाहिए, बाकी सीट्स कई बार हजारों की संख्या में आती हैं और आपकी तैयारी नहीं रहती है तो आप प्रारंभिक परीक्षा फेल कर जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। और सीट्स हजारों की संख्या में होने के बावजूद भी आपके लिए वो किसी काम की नहीं रह जाती है। अभी से प्रैक्टिस करिए और आगे जो भी सूचना मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। और पीसीएस जो 2021 का अभी फॉर्म आना है उसमें भी सीट्स का डिटेल मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी ही आपको मैं बता दूंगा। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए।